सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद पद्म संबंध ज्ञान प्रदत्ता नित्यानंद अभिर्न कलेवर नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज का चरण कमल रे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जणुअछि। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोतर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज का चरण सरोजरे श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करुछि। अन्यान्य वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई भौणी समस्तंकु मु यथाजोग्य प्रणाम करुछि। आज आम मैंने श्रवण करिवा एकादशी व्रत को माने एकादशी व्रत करुथिले तेणु आम शास्त्र गोटे सुंदर कथा आमर भारत बर्षे जड़े रुक्मांगद नाम को जड़े राजा थिले किंतु से राजा हेले से समस्त इंद्रिय देकरी महाप्रभुंकर से सेवा करुथिले बोले सबई मन कृष्ण पदार बिंदय मनटा को कौन करुथिले महाप्रभुंकर चरण कमल चिंता करुथिले बोले बाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने वाणी द्वारा महाप्रभुंकर गुणानुवाद करुथिले बोले करोर हरिर मंदिर मार्जनादिशु हाथ देकरी महाप्रभुंकर मंदिर मार्जन करुथिले श्रुति चकार अच्युत सत्कथा दय कान देकरी महाप्रभुंकर कथा शुणुले तेणु एकादशी अर्थ हूँ एगार आमर है एगारटी इंद्रिय पांचटी है ज्ञानेन्द्रिय पांचटी है कर्मेन्द्रिय एवं तांकर जे राजा हेले ये मन तेणु एकादशी अर्थ हूँ एकादश इंद्रिय द्वारा महाप्रभुंकर सेवा करिवा। किंतु किछ किछ लोकंकर धारणा अच्छी व्रत अर्थ कण उपास अर्थ कण ओषा अर्थ कण किसी न खाइबा किंतु शास्त्र कह ना यार अर्थ ये नुह एटा जो उपवास एटा जो संस्कृत शब्द उप अर्थ हैला पाखेरे बास अर्थ हैला पाखेरे बास करिबा तेणु श्री रूप गोस्वामी कहउछंती बोले उप समीपे जो बास जीवात्मा परमात्मा नो उपवास सब विज्ञेय न उपवास लंघनम न शरीर विशेषणम बोले शरीर को सुखिला रखिले न खाइले सेटा को उपवास कहा जाए नी प्रकृत उपवास होता उपसमीप जो बास महाप्रभुंकर पाखरे बास करिबा बोले किभली भाव तांकर पाखरे बास करिवे बोले जीवात्मा परमात्मा नो जेतले सही जीवात्मा से परमात्मा के पाखरे तांकर कथा तांकर कीर्तन तांकर भजन तांकर सेवा करिवे ताहा द्वारा ही सीए तांक पाखरे रही पारिवे तेणु से एकादश इंद्रिय देखि भगवान कर सेवा करुथिले एवं एकादशी व्रत को बड़े बहुत दृढ़ता पूर्वक एकादशी व्रत करुथिले निजे करुथिले एवं समस्त प्रजा मानक मध्य से एकादशी व्रत करुथिले। जो घरे एकादशी व्रत हुए जो घरे महाप्रभुंकर कीर्तन भजन पूजा पाठ हुए सही स्थान रे कली पाप सही घरे प्रवेश करि पारंतिनि तर पाप तो बहुत दुखी होकर ब्रह्मा को पाख को गले बोले आप कहीं मत सृष्टि करे कौन है बोले एमती गोटे राजा आ पृथ्वी को से निजे तो एकादशी व्रत करूँ एवं से समस्त को मध्य एकादशी व्रत करूँ सी निजे करूँ जो घरे एकादशी व्रत हुए जो घरे भगवान कर पूजा पाठ हुए सही घरे मुझे प्रवेश कर पारुनी तेरे मत मारी दिंतु ब्रह्मा कहले कौन से चिंता ना मुझे व्यवस्था करुची से गोटे सुंदर गोटे स्त्री सृष्टि करे जार नाम है मोहिनी प्रकृत सी एत सुंदरी थिला यही मर्त्य जगत रे एमती सुंदरी स्त्री हुआ मोहिनी कहले ब्रह्मा जी को कहतु आप कहीं मत सृष्टि करे मुझे कौन करी बोले तुम काम है ये रुक्मांगद महाराज को मोहित करी घरे पाटराणी होकर जाओ आकोसी भाव एकादशी व्रत को नष्ट कर बोले ठीक अच्छे राजा प्रत्येक दिन जंगल को भ्रमण करने जाऊ समय से मोहिनी
सेठ जाए सुंदर नृत्य कीर्तन एत सुंदर सेठ अद्भुत रूप से कला विद्या देखा जहाँ को देखकर समस्त मुग्ध होते जितने राजा भ्रमण करी थरे तांको बहुत तृष्णा लगी हठात गोटे वामदेव नाम गोटे ऋषि आश्रम से पहुँचले कहले मत टे आप पानी पीबे जितने से राजा को पानी पीले एवं से वामदेव ऋषि राजा पूर्व कथा कहले बोले आपण जानते आपण पूर्वर किए थे बोले ना पूर्वर तुम्हें जन शूद्र थ बहुत पाप कर्म करपण जे स्त्री टी से गोटे शूद्राणी थी से मध्य बहुत पाप कर्म करे कौन है एकादशी व्रत आसी से आपण पत्नी से शूद्राणी को बहुत जोर शरीर ज्वर आसी एवं सी ज्वर सी दुखी होकर से किसी खावा खाई ना आपण दुखी होकर से दिन किसी खाई ना से दिन एकादशी थी फल आपणकर से दिन हो गला पूरा निर्जला एकादशी व्रत है एवं द्वितीय दिन से आपणकर पत्नी शूद्राणी शरीर त्याग आपण विरह शरीर त्याग करती गोटे एकादशी फल कौन है आपण एन ये देश राजा एवं से शूद्राणी एन आपण राणी होकर आसी राजा कहले गोटे एकादशी व्रतर एत महिमा मो देशर राजा एवं आम राणी तेणु मोर एकादशी व्रत प्रति एत निष्ठा तब कहले एकादशी व्रत निश्चिंत करवा दरकार जितने टी आग गले सी मोहिनी को दर्शन करे प्रेम मुग्ध होकर सांगे बह सी करे एवं बह आगे मोहिनी कहले मोर गोटे कथा को रक्षा करने को बोले कौन बोले मुझे जिते जहाँ कहबी से आपटा शुणा बोले कौन से चिंता नहीं बह कर नहीं आसिले किंतु से मोहिनी तो आसी एकादशी व्रत को नष्ट से एकांत ब्राह्मण मान को डाक कहले देख जदि राजा आपण मान को प्रश्न करती एकादशी व्रत क्या हम आपण शास्त्र कौन सी कथा कहबनी शास्त्र कथा लुचेकि निजर मनमानी कि कथा को आपण कहीदेव आपण कह जे जो माने बुढ़ा बुढ़ी होगले विधवा हो जाती यदि इच्छा हुए एकादशी व्रत करे यदि इच्छा न हुए कि दरकार ना बोले ठीक अच्छे किंतु नियम हूँ एकादशी गोटे पूर्व दिन सीए ढिंडुरा बजेकि पूरा देश में प्रचार करती जे काली होची एकादशी समस्त को एकादशी व्रत करने को हम से समय राणी राजा को कहले आपण देश में ये ढिंडुरा कहीं पिटुंट बोले आम देश में नियम है समस्त को ये एकादशी व्रत करने को हम बोले ये कथा कौन से शास्त्र अच्छी ना तुम्हें निज मनमानी कथा कह बोले शास्त्र अच्छी बोले कौटी देखाओ किंतु ब्राह्मण माने से मिथ्या कथा कहीकि कहले महाराज कौन से शास्त्र रे ये एकादशी कथा ना जदि कहार इच्छा हुए करे न इच्छा हेल्ले करेनि तेणु जो मैंने बुढ़ा बुढ़ी वृद्ध जो मैंने विधवा हो जाती इच्छा हुए करतु नतवा कौन से करवा दरकार ना राजा कहले एपर्यंत आपण तो केवल ये कथा कही ना आगे ये पचारूली आप विभिन्न ग्रंथर विभिन्न प्रमाण देकर कहते एकादशी व्रत समस्त करवा को हम शास्त्र कौच बोले जानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्या समानी च अर्णमाश्रित तिष्ठती संप्राप्त हरिवास अर्थ हूँ अर्ण रे एकादशी दिन समस्त प्रकार पाप ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप अर्ण को आश्रय करके रुहंती जो माने एकादशी दिन अर्ण भोजन करती बोले मातृहा प्रीतिहा चैव भ्रातृहा गुरुहा तथा एकादशा तो जो भक्त विष्णु लोक च्युत भवेत अर्थ होची एकादशी दिन अर्ण रे मातृहत्या पितृहत्या भ्रातृहत्या गुरुहत्या समस्त पाप अर्ण रे आश्रय करती एकादशी दिन जदि कई अर्ण ग्रहण करती पूर्वपुरुष मान विष्णु लोकर मध्य पतन हुए च्युत हुए एवं बहु प्रमाण शास्त्र रे बहु प्रमाण अच्छी तेणु किंतु मोहिनी मानिले बोले ना
मु आगे कही बहुत हेबा आगे जदि मोर कथा शुणब ताल मु घरे रही मुझे एकादशी करनी तुम्हें कहो एकादशी कर मुझे घर जाऊँ तुम्हें जदि जीवा कथा हुआ जाओ आम तो एकादशी व्रत करूँ ताकर जी पुत्र थे सी धर्मांगद साक्षात धर्मस्वरूप कहले माँ तुम्हें जहाँ मागे देवाई आम सन्तुष्ट अच्छु कितु आप घर जीवन बोले तुम पितामाता जदि हसी हसिकी तुम मुंड काटिकी जी मत दे दिंती तेज मुझे रही राजा कहले मोर गोटे मात्र पुत्र मुमि पुअर केमी मस्तक कोमी छेदन करी ये कत संभव हुए तुम्हें पलि जाओ कौन से दरकार नहीं कितु पुत्र धर्मांगत धर्मस्वरूप थे बोले बाबा आपण शरीर ठारू मत ये शरीर मिले तेणु मोर प्रथम कर्तव्य हूँ पिता माता सेवा करवा शरीर दे यदि पिता माता सेवा हुए एवं यदि यही शरीर दे कि महाप्रभु जगन्नाथ सेवा हुए या ठार बड़ कथा अच्छी तेणु आप चिंता करूँ मोर मस्तक काटिकी दे दिंतु तेल से काटापी गले साक्षात वैकुंठ रु महाप्रभु निजे जगन्नाथ आसीगले बोले श्री रुक्मांगद महाराज की बोले श्री धर्मांगद महाराज की साक्षात महाप्रभु आसिकी कहले महाराज आपणकर निष्ठारे ये एकादशी व्रत हूँ मोर व्रत आपणकर निजर पुत्र को मध्य जलांजलि आपण वैकुंठ रथ तैयारी रथ रे बस वैकुंठ चाल बोले धर्मांगद तू मध्य राजत्व करे तो पाई मध्य रथ आसीब तू मध्य रथ रे बसिक तू वैकुंठ जीव मोहिनी कहले मु कौन करी बोले एकादशी के दीटा दीटा एकादशी आसे से दीटा एकादशी आसे नियम हूँ प्रथम एकादशी छाड़ी जे द्वादश युक्त एकादशी करवा दरकार जो माने दशम विधा एकादशी करती तार समस्त पुण्य यही मोहिनी नहीं जाए पाप कहले मु कौन करी बोले आपणकर स्थान हूँ एकादशी दिन जो माने अन्न भोजन करती आपण से अन्न को आश्रय करके रेणु पाप हूँ अन्न आश्रित तेणु आपण मैने समस्ते एकादशी व्रत करेंगे एकादशी व्रत हूँ जगन्नाथ व्रत आ जगन्नाथ जदि सन्तुष्ट हमें बोले जहाँ पर कृपा हरि की होई ता पर कृपा करे सब कोई जहाँ पर जगन्नाथ कृपा हो जाए तापर 33 कोटी देवता माने मैंने सन्तुष्ट हो जाती तेणु आपण मैंने समस्ते एकादशी व्रत करेंगे नीताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।